ट्वेल्थ पास करने के बाद आप 10 ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें अप्लाई कर सकते हो और एग्ज़ाम देने के बाद आप उस नौकरी को कर भी सकते हैं। तो ऐसी ही 10 नौकरियां का लिस्ट मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो इस लिस्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहली नौकरी है SSC CHSL की, जिसमें आपको कुछ पोस्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क। तो इस सभी जो पोस्ट है उनकी सैलरी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो आपको ये अगर 12 के बाद लगता है कि आप इस जॉब के लिए तैयारी करो और इस एग्ज़ाम को जाके दो, तो आपको 11 या 10 से ये स्टार्ट कर देना चाहिए अपना प्रिपरेशन, तभी आप जाके इस जॉब को मतलब कि अच्छे से निकाल पाओगे और एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाओगे। तो SSC जो है हर साल अपना नोटिफिकेशन लेके आती है इस जॉब के लिए। तो हर साल कम से कम 7 से 8 हज़ार जॉब्स मतलब निकलती है SSC के द्वारा। तो आप चाहे तो SSC के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो CHSL के बारे में। तो ये था पहला नंबर जॉब जो आप 12 के बाद कर सकते हैं। तो मैं आपको चलिए लेके चलता हूँ दूसरे नंबर की तरफ। तो दूसरे नंबर में जॉब जो है वो है NDA का एग्ज़ाम है, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम है, जो UPSC करवाती है साल में 2 बार। और इसकी पोस्ट होती है 3 सर्विसेज में पोस्ट मिलती है इसकी। तो पहला सर्विस है इंडियन नेवी और दूसरा सर्विस है इंडियन एयरफोर्स और तीसरा सर्विस है इंडियन आर्मी। तो आपको 3 सर्विसेज इसमें मिलती है। तो आपके रैंक के हिसाब से आपको सर्विसेज और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सर्विसेज दिया जाता है। उसके बाद आपको इसमें एक साल में 2 बार नोटिफिकेशन लेके आती है UPSC, जो NDA का एग्ज़ाम करवाती है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा होता है कि आप एक साल में 2 बार NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो। और आपको इसमें क्राइटेरिया होती है कि आप 12 पास हो विद द सब्जेक्ट साइंस के साथ, आप मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12 पास हो। उसके बाद आपको अनमेरिड भी होना पड़ता है। तो अगर आप अनमेरिड है जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मेरिड है तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल भी एग्जाम के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपकी सैलरी इस जॉब की स्टार्टिंग होती है 56,000 से और आपका लेटेस्ट एकदम टॉप सैलरी जाता है 1,50,000 तक। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास जो जॉब है वो है SSC के स्टोनोग्राफर। तो SSC स्टोनोग्राफर का जो जॉब होता है वो ग्रेड सी और डी पोस्ट के लिए होता है और इसकी सैलरी जो होती है वो आपको 35,000 से शुरू होती है। तो और उसके बाद आपका जो सैलरी है वो बढ़ते रहता है अकॉर्डिंग टू पे कमीशन के हिसाब से। उसके बाद आपको मिलता है चौथे नंबर पे SSC MTS का, जो मल्टी टास्किंग स्टाफ का जो जॉब आता है वो 10 क्लास पास होने के बाद ही आप कर सकते हो। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 के बाद उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये है SSC MTS का जॉब जो आप 12 के बाद भी दे सकते हो और 10 के बाद भी दे सकते हो, पर मैं इसको 10 के बाद नहीं 12 के बाद देने आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि आप तब तक अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर हो चुके होंगे SSC MTS के लिए। उसके बाद आपका पाँचवें नंबर पर जो जॉब आता है वो है रेलवे का NTPC, जो रेलवे NTPC का जो एग्ज़ाम करवाती है। इसमें जो पोस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे खासे होते हैं, जो कमर्शियल क्लर्क, उसके बाद टिकट कलेक्टर, अकाउंट क्लर्क और टाइपिस्ट का जो पोस्ट निकलता है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 12 क्लास के बाद। तो ये था पाँचवें नंबर का जॉब। तो हम चलते हैं अपने छठे नंबर के जॉब की तरफ जो आप 12 के बाद दे सकते हो। तो 6 नंबर पे आता है SSC GD कांस्टेबल, जो आपकी SSC कंडक्ट करवाती है कांस्टेबल का एग्ज़ाम। तो ये जो इसमें पोस्ट होता है वो होता है BSF, CISF, ITBP और उसके बाद राइफलमैन, NIA, SSF का उसके बाद होता है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है आपका CVT होता है, फिजिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके साथ साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाता है। उसके बाद आपको 7 नंबर पर जो जॉब देखने को मिलता है वो स्टेट पुलिस का होता है। जॉब आप स्टेट पुलिस के अंदर कोई भी कांस्टेबल का जॉब निकलता है SI या कुछ भी, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है स्टेट पुलिस का जो जॉब होता है, वो अलग अलग स्टेट अलग अलग मतलब क्राइटेरिया पे लेके आती है। तो हर स्टेट अपना स्टेट पुलिस का जॉब लेके आती है, तो आप 12 के बाद उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जो अपने 12 के बाद कुछ एग्ज़ाम देना चाहते हैं पर उनको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एग्ज़ाम दे और कौन सी क्राइटेरिया के हिसाब से एग्ज़ाम दे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ 8वें नंबर जॉब की तरफ। तो स्टेट लेवल की SSC जो होती है वो 8वें नंबर पर है, जब स्टेट अपना SSC मतलब कि रिक्वेस्ट तो करती है, उसके बाद भी स्टेट लेवल की जो SSC है वो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में आपको रिक्वेस्ट करती है। तो स्टेट लेवल के जो SSC के वेबसाइट है उसमें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहता है साल में। यहाँ पे भी जॉब आते रहता है जो 12 लेवल के हिसाब से होता है, 10+2 लेवल के हिसाब से। तो ये स्टेट लेवल की PCS मतलब कि सॉरी SSC करवाती है जॉब। उसके बाद आपको आता है 9th नंबर पे फॉरेस्ट गार्ड, जो फॉरेस्ट गार्ड का जो डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड होते हैं और इन सभी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉब लेके आते हैं साल में एक बार जरूर आता है इन सभी का जॉब, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ फॉरेस्ट गार्ड, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है और आपको पोस्ट मिलता है जैसे कि जंगली इलाकों में और जंगल वन या पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो उसके बाद आपको मिलता है 10 नंबर पे इंडियन कोस्ट गार्ड, जो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो ये एग्ज़ाम भी साइंस वालों के लिए है जो मैथ्स और फिजिक्स के साथ पास हुए हैं 10+2 जो एग्ज़ाम होता है 12 लेवल का। तो उन्हीं लोगों के लिए है जो कोस्ट गार्ड का मतलब कि जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए है ये। तो ये कोस्ट गार्ड का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो आपको कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप जाके अपने मतलब कि बहुत सारे मछुआरों को जैसे कि हाइटा डालने से मछुआरों को बचाना, उसको रेस्क्यू करना, टिप्स को रेस्क्यू करना, कोस्टल एरियाज में इनकी जॉब मिलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये थी 10th गवर्नमेंट जॉब जो आप 12 के बाद दे सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा।